अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैर से होंगे। आज है संडे और हम सब ने रिक्वेस्ट की हम सबसे कि हम उनके साथ एक स्पेशल व्लॉग में, आज है संडे तो आपको साथ साथ अपने प्यारे भाई को भी साथ साथ दिखाते हैं, दिखाते हैं इनका भी इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान। आपकी दुआओं से अल्लाह के प्यारे प्यारे भाई जी। तो आज हम सब रिक्वेस्ट किए कि हम उनके साथ एक स्पेशल व्लॉग तैयार करेंगे जिसमें हम आपको एक अच्छी सी प्यारी सी और हमारी क्या है हमारी फेवरेट डिश है और पाकिस्तान में जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो हमारे त्यौहार हैं, हम चला रहे ईद जैसे ईद है, जैसे ईद है, तो उसकी थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाएगी। तो मानिए हमसे कह रहे थे कि हम आज बनाए दिल जी फ्री कले जी कपूरे कपूरे बानी को कपूरे पसंद है, पूरे नहीं है नाजरीन, ये भी फिर और कलेजी है, बस पूरे नहीं है। मान भाई कहते पूरे बनाने के, जैन भाई ने कहा नहीं जैन भाई कहते हैं और पेपर डालेंगे जी। तो आपको दिखाते हैं कितनी हमारी इंशाल्लाह हमारे सारे जो ये जो मास्टर्स हैं मेरे छोटे छोटे, ये मुझे अब आज सिखाएंगे दिल कलेजी और पेपरा कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू स्टार्ट, ये है गांडा और हम जी कहना, ये है कलेजी, इसमें क्या क्या है, कलेजी फिफड़े और दिल बकरे के, बकरा कलेजी दिल फिफड़े, ये गांडा ऊपर आता है क्यों पाओ क्यों पाना बेचा सावल हो गए ना पालिए सावल हो दिखाओ पहले गेरा ऑयल है। ये देखें ये नाजरीन, ये है हमारा ऑयल इटालियन ब्रांड, ब्रांड की कौन सी ब्रांड है और नाजरीन अभी आपको कर रहे हैं। ये देखें एरोस्पिन के, मुझे सुपर मार्केट है एरोस्पिन उसे कहते हैं और एरोस्पिन इटालिया इटालियन प्रोडक्ट है। ये जीरा सोल है, सूरजमुखी का तेल है ये नाजरीन, इसको आप कोई सा भी तेल जो आपके पास है वो डाल लें, लाजमी नहीं है कि आपने ये डालना, आप इडली नहीं आएंगे ये तेल लेने के लिए, इसको उसके अंदर डालना है, इसको अंदर डालना है। ये हमने रखा हुआ था, ये ट्रिक है सेविंग की, सेविंग ट्रिक नाजरी, जब आपका कोई सामान ख़त्म हो जाए ना ऐसे ऐसे करके इधर ऐसे इसको इधर रखना, उल्टा जो सारा तेल होगा वो नीचे आएगा ढक्कन पर, जब आपने इस्तेमाल करना होगा तो ऐसे करके सारा इस्तेमाल होगा आपकी 99.9% जो है आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाएगी। फिर इसको यहाँ पे हमने ऐसे करना है, इसको करना है हमने कूड़ा डिफरेंशियल, मतलब कि हमने अलहदा करना है, ये प्लास्टिक है इसको अलहदा कर लेना है हमने, जो हम यहाँ कूड़े ही फेंकते हैं ना नाजरीन, वो भी हमने जो कागज़ होता है उसे अलहदा करना है, प्लास्टिक अलहदा करना है, लोहा अलहदा, सारा हर चीज़ का अलहदा कूड़ा यहाँ पे हम करते हैं। अच्छा तो इसमें डाल दिया घी अब घ्यो, नाजरीन हम इसमें ये डोई इस्तेमाल करेंगे लाकड़ी की है, लकड़ी इसको एक दफा चंगी ही लगी पड़े भाई। ये इधर इधर नाजरीन को डोई दिखाएं, नाजरीन ये डोई हमने इस्तेमाल करनी है, नई भी है इधर खुद ही बांध, लेकिन नहीं नहीं नई भी है लेकिन पुरानी का अपना सामान रखा हुआ है, क्या हमने साथ सेविंग भी करनी है, फजूल खर्ची नहीं करनी। ये देखिए थोड़े गांडे का थोड़ा सा हरा रही है,
गांडा सारी आपने तोड़ लेना उसे। अब इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑयल थोड़ा सा कम है, ऑयल थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। चल ऑयल बस। पानी लेंगे थोड़ा सा, पानी डाल लेंगे, ये पानी डाल दिया। जरूरत के मुताबिक इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे अच्छी तरह। इसको अब कवर करके रखेंगे, ऐसे डाल देंगे और वेट करेंगे। अब हम आपको साथ में दिखाते जाते हैं अंदर हो क्या रहा है हंडी में। ये देखिए यहाँ तक अब बात पहुँची है। ये इसको एक दफ़ा हिला देंगे मिक्स, जो सामान नीचे वाला ऊपर हो जी ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके हिला के इसको फिर डाल दो जी। शेफ़ ने बताया हमारे कि अंदर ये गे भी जाएगा, अंदर ये भी जाएगा अंदर ये इटालियन प्याज है, जैसे पंजाबी में कहते हैं भुक् वाला प्याज, ऐसे ही कहते हैं हमसे भाई, ऐसे कहते हैं ये भुक् वाला प्याज। ये एक अंदर डालना है, इसकी हम कटाई करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते हैं जी हम क्या कॉम्बिनारे कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं हम आपके साथ। इसको हम निकाल लिए, इसको हम धोएंगे ठंडे गर्म पानी से, क्योंकि सर्दी है भाई नाजरूम बहुत ठंडा पानी दे अंदर का ठंड पा देता है। इसको अच्छे से इसकी धुलाई कर लेंगे, धुलाई धो लेना, इसकी कोई किरत ना जाए अंदर आए खाने को दौरान, वो खाएँ तो मज़ा आए, इतना अच्छा धोना। अच्छा जी इसको अच्छे से धो लिए, आज छुट्टी का दिन है नाजरीन, देखें काम 6 दिन बाद छुट्टी आती है, 6 दिन का काम होता है। सुबह जाना है, 7 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, कुछ अगर बनाए कुछ माँ जी हैं घर पे तो वो तो कहती रहती है, लेकिन फिर काम ये काम पे जाने के लिए जल्दी जल्दी कभी खा लिया कभी नहीं खाया, तो सारे दिन बाहर इधर से एक छुरी ली है कटाई करने के लिए, सारा दिन काम पे सुबह जाने तो शाम को 9 बजे घर आने, घर आना है तो नहाना है धोना है, थोड़ी सी रेस्ट करनी है, फिर अगर माँ जी आ घर तो खाना तैयार मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर सारे दिन काम करने के बाद आएंगे रेस्ट करें जी, इडली में रेस्ट करें, खाना भूख लगी है तो खाना भी बनाना है जी, खाना नहीं है तो फिर अगले दिन काम पे जाना है, खाना बनाना है, खाएँगे 10 बज जाएंगे 11, बर्तन वगैरह धो के रखने हैं, बिस्तर तैयार करने हैं तो जाते जाते सोने, फिर 10 बज जाएंगे 11, 6 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं ना जी। 7वां दिन जो छुट्टी का, अच्छा जी ये नादिन हमारे जान पर बताया कि इसकी अच्छी तरह कटाई कर दी है, थोड़ा सा टक लगाए इसे बहुत छोटा आ जाए। अच्छा तो आपको बता रहा था मैं 6 दिन के बाद काम के 7वां दिन ये जो छुट्टी का होता है, सुबह उठना है 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा सो लेना है, उठना है, खाना है, कुछ नाश्ता करना है तो। अच्छा जी सबसे पहला काम खाने के बाद फिर सफाइयाँ करनी होती है, हफ्ते के बाद भी हर चीज़ की अच्छी तरह सफाई करनी है, अपने कमरा साफ़ करना है, वाशरूम किचन हर चीज़ को अच्छी तरह साफ़ करना है, 2 घंटे सफाई में गुजर जाएंगे। फिर जी दोपहर का खाना बनाना है, दोपहर का क्या फिर शाम का वही होगा, खाना तैयार करना है तो जी 5 बजेंगे खाना बनाते हैं, दोपहर का शाम का खाना है तो खाते खाते 6
6 बज जाएंगे 7 बज जाएंगे, अगर एक घंटा आपके बाद आपको बच गए दिन में, सिर्फ अगर आप बच जाना चाहते हैं हफ्ते के काम के बाद, अलबत्ता तो जो थकावट होती है हफ्ते की वो आपको जान नहीं देती बाहर, ऊपर से जो इतवार के जो काम होते हैं घर में सफाई खाना बनाना सब कुछ फिर करना होता है, बाहर जाने का मूड नहीं कर दिल नहीं करता, मूड होता भी है लेकिन फिर मजबूरी ही होती है, क्योंकि अब रेस्ट करेंगे फिर छुट्टी वाले दिन बाहर। अच्छी तरह से नारियल खुशबूएं तो आना शुरू हो गई अभी, सुभान अल्लाह। इसको ऐसे भुनेंगे थोड़ी देर, फिर साथ में आपको दिखाते जाते हैं नारियल। दोस्तों सब कुछ तो आपको पता है, आपने देख लिया कि किस तरह भाई ने किया है, तो मैंने सोचा यार थोड़ी सी मैं क्यों ना हेल्प कर दूं। तो ये देख लो टमाटर किस तरह काटने हैं, जो कि मुझे काटने आते हैं आसानी से। देख लो पहले आप इसके ये जो ऊपर जो छोटी सी क्या लगी होती है मुझे नहीं पता यार, ये उतार दो और जल्दी जल्दी सेम, ये देखो इस तरह जल्दी जल्दी सेम टमाटर आप काट लो। अच्छा ये देख लो ये टमाटर यार ज्यादा लंबा था तो मैंने छोटा छोटा कर लिया, ये ऐसे आप छोटा भी कर लो ठीक है, इस तरह ये एक टमाटर हो गया, इसी तरह ही आप दूसरा भी कर लो जल्दी जल्दी से। ये लो जी इस तरह आप काट लो सारे टमाटरों को, इसी तरह काट लेना है और इसे डाल देना है हंडिया में। जी दोस्तों इस तरह आपने सारे टमाटर काट लेने हैं, अब इसे डाल देंगे कहाँ, हंडिया में इसे आप डाल दो अपनी। ओए मुझे तो यार इसके जो खुशबू आ रही है ना वो इस तरह आ रही है जैसे आपको पता है सफदराबाद में एक गोशा होता था, चस चस आ रही है, चस नाजरीन चस आएगी आप जब आपको दिखाएंगे खुशबू, इस तरह जैसे क्या कहते हैं उसको पठानों की कढ़ाई होती है। हाँ जी पठानों की कढ़ाई, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा अभी, याद है जब फिर भूल गया। इंशाल्लाह कढ़ाई तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मज़ेदार बनेगी। नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सियाने कहते हैं मेहनत का जो फल होता है मीठा होता है, वो तो सब्र का फल नहीं मीठा होता, मेहनत का भी होता है मेहनत, सब्र भी करनी है वो मेहनत ही होती है, तो मेहनत का फल जो मीठा होता है तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनेगी। पेशावरी कढ़ाई कहते हैं, पेशावरी कढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है, टमाटर उसमें डाले होते हैं जितना गोश्त डालना उतने टमाटर डालने हैं, बहुत मज़ा आता है उसका। उस्मान भाई आके देखो बाल माशा कितने बड़े हो गए, बाल तो इंशाल्लाह जल्दी ना कटिंग करेंगे ठीक है, बालों की वजह से ना आपको अच्छी न्यू लुक देगी। फल की बात हो रही थी, फल तो फल ही होता है, सब्र का ले लो या मेहनत का ले लो, फल तो फल ही है इंशाल्लाह, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज मौजो से वो कभी घबराया नहीं करते। वाह जी वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है। वैसे नाज़रीन ना ने ऐसे वैसे थोड़ी सी शायद भी होंगे कुछ कहने के लिए फिर कहना पड़ गया, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बड़ी बात है। सियाने कहते हैं शेर होता है जंगल का बादशाह, तो अगली बात आप खुद समझ ले। एक इलामा इकबाल का शेर क्या है क्या है बोलो। अच्छा नाज़रीन इसको भी साथ साथ देखते रहना है, हिलाते रहना कि नीचे ना लग जाए, हिला के इसे
डाल देंगे तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह घुल जाएंगे, मसाला बनेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छा नाज़रीन, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे सूखा धनिया। अच्छा तो नाज़रीन, अब कितने मिनट के बाद देखा है? 10 मिनट के बाद। आप जेन में सोचो यार, किस तरह का आपके भाइयों ने इसे तैयार किया है। मानी मनी मुंह में पानी आ रहे हैं। मनी बहुत 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 आ रहा है ये मानी की। माशाल्लाह सारी कढ़ाई नाज़रीन देखे। इसमें आए थोड़ा सा अदरक काट के और साथ में इसमें आए मिर्ची धनिया। अखीर पे डालेंगे, खीर पे डालेंगे। देख लें दोस्तों, और मानी हमें बता रहे हैं कि किसकी कटिंग कैसे करनी है। क्या है मानी, बताओ यार कुछ। मैं कटिंग कर रहा हूँ। वो तो मुझे भी पता यार, कटिंग कर रहे हो। ये तो अदरक है, और क्या है? और इस तरह आपने रखनी है लंबे लंबे। व्हाट अ स्पेशल कटिंग। ऑफ अदरक, ऑफ जिंजर। जिंगर के जिंजर। इतनी सोनी कटिंग कर रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कि मानी सोना है कि उसकी कटिंग सोनी है। कटिंग सोनी है। अदरक की कटिंग ही सोनी होगी फिलहाल। हमारा मानी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, सोना है, छोटा छोटा से मुन्ना है, छोटे छोटे से मुन्ना है। ये काटा था प्याज। ये थोड़ा सा प्याज नहीं है, सॉरी अदरक है जी, प्याज अदरक है। और इसको बारीक थोड़ा सा मोटा कट गया, लेकिन ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ना और बारीक करते हैं ऐसे कर। बस ये देखिए, जब खाएंगे तो फिर थोड़ा सा अदरक मुंह में आए तो वो जायका बनाता है, ज़्यादा आए तो वो जायका ख़राब करता ना। आदमी इतनी बारीक बारीक से ना इसकी कटिंग करनी है कि आ जाए बाद में चम्मच। नाज़रीन देखे, हम भी काम जो है वो सब 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 कुछ करते हैं, साथ साथ सीखते हैं, करते जाते हैं और सीखते जाते हैं नाज़रीन जी। यूँ हम जब है ऐसे ही, ऐसे है जी, ऐसे ही है। हम तो यहाँ पे मजबूरी का नाम शुक्रिया अब बना रहे हैं तो। नाज़रीन देखें, आपस की बात है, काम पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो आप देखते होंगे कि जो नॉर्मली ना वो जो 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 घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो बहुत ही कम कुकिंग करते हैं घर में, क्योंकि उन्होंने बाहर का काम करना होता है। और ये ऐसे है जैसे भाई रिवाज ना, ना जब बंदा बाहर आता है ना तो मजबूरी से करना पड़ता है, लेकिन जब बंदा आदि होता है ना तो फिर करने में पता नहीं लगता है, करने में बड़ी चास आती है, क्योंकि जो अपने हाथ का जायका होता है ना, उस जैसा जो जायका वो कहीं भी नहीं आपको मिलता। कहीं भी नहीं। और बड़ी कर लेंगे। मानी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी चिप्स काटी है जो। मानी ने तो यार बहुत मोटी मोटी काट दी है। नहीं नहीं, मानी बहुत अच्छी कटिंग की है। मानी इज अ वेरी टैलेंटेड गाय जी, डैनी डैनी मोरिस की तरह। डैनी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। नाज़रीन आपको थोड़ी सी साथ में इटालियन, इटालियन ब्रिटिश इटालियन भी आपको साथ सुनाते हैं जी। कि मानी, अब आपको मैं एक जुमला बताता हूँ इटालियन में। मानी इज अ वेरी गुड बॉय। मानी बहुत अच्छा लड़का है। उर्दू इसकी और इसकी जो इटालियन है वो होगी मानी ए मोल्टो ब्रावो। मानी टू से यू वेरी ब्रावो। अच्छा अच्छा नाज़रीन, अब तो फिर हम हमारी जो हांडी है तकरीबन तैयार हो गई है। देखें अच्छा सा मसाला है और माशाल्लाह। यार मानो या ना मानो, मुझे तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माने कोई माने या ना माने, शब्बीर तो माने। कोई देखे, देखे ना देखे, देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। हमारी रेसिपी स्पेशल ईद, ईद स्टाइल रेसिपी हमारी जो दिल कलेजी और फिफड़े। देखें खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अब थोड़ी देर में इसके ऊपर जो अदरक है, बारीक बारीक कटा अदरक, उसे गार्निश करेंगे ऊपर। नाज़रीन मुझे अब मेरे मुँह में शदीद पानी आ गया, भूख लगी हुई है, सफाइयाँ करके हटे हैं। सिर्फ आपके मुंह में नहीं भाई, हमारे मुंह भी आ रहे हैं। चासा है कि नाज़रीन, आपको जब जब खाएंगे ना तो आपको
नेचुरल जायका जो मजा आता है वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद जी। अच्छा नाजरीन, तो अब आपको चाहेंगे ये हमने लिया है इसके ऊपर अदरक रखी और इसकी ये हम कर देंगे इसका गार्निश जी। ये लास्ट स्टेप होगा और ये इसको डाल दिया और कर दिया थोड़ा सा मिक्स। तो ये हमारी हो गई है जी हंडिया तैयार हो गई है और अब है इसे टेस्ट करने का वक्त। अच्छा जी नाजरीन, तो अब ये हमारी फाइनल स्टेज है, फाइनल डेस्टिनेशन। मानी जो कह रहा है कि मानी की खुशबू दिल को छू, मानी का मुंह पानी बाहर रहा मानी के दिल को छू रही है जी इसकी खुशबू, मानी के दिल को। माशाल्लाह आदेन देखें, अब मेहनत जब होती है ना तो फिर चास तो आती है। अब आपको इसका फाइनल स्टेप दिखाते हैं आदेन जो हमारे नाजरीन आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ कि ये जो पीछे आप स्टैंड देख रहे हैं कपड़ों का, बाहर है सर्दी कितनी सारी, हमने चलाए हैं हीटर, तो हीटर की गर्मी से वो कपड़े सूख जाएंगे, इसलिए हमने अंदर कमरे में रखे हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश भी होती है। इटली का मौसम पता नहीं चलता, इटली में कहते हैं तीन चीज़ों का पता नहीं चलता। नाजरीन आप भी ये फार्मूला याद कर लें, WWW वेदर वुमेन वर्क, काम औरत और मौसम का कोई एतबार नहीं। नाजरीन आपको देखें कितनी कितनी आपको बातें, नई नई बातें आपको सिखाते हैं। आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट, कॉम्प्लीमेंट या कोई एतराज़ होगा। ये देखिए हमारे आ रहे हैं आतुबा भाई, आतुबा भाई हमारे आतुबा भाई। आतुबा अपना फेमस स्टाइल दिखा दे नाजरीन को, कौन से वाला बहुत सारे हैं, कौन से वाला। अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोड्यूस करवाया नहीं यार, क्या भाई आपका क्या नाम है। नाजरीन ये है हमारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे से आतुबा भाई। नाजरीन ये है हमारे प्यारे से आतु भाई, इनका नाम आतु भाई। आतु भाई आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, बड़ा भाई और कितने स्यापे करने पड़ते हैं आपको आसानी के लिए है। चले नाजरे इंजॉय करें लाइफ को, अल्लाह को याद करते रहें और हमें भी दुआएं में याद रखें। अब इंशाल्लाह खाएंगे रोटी, टेबल है छोटा सा सारे भाइयों का, और ये सलमान भाई जैन भाई आपको दिखाते हैं। आए हाय मार चुकी है जी। जैन भाई कैसी बनी है? ओए 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 जी उस्मान भाई, उस्मान ज्यादा की ना करी ना जी जी साढ़े सारे तंग हो नहीं आ रहे की करी जा रहे जी। अतु भाई मनी अब क्या कहना है, फिर मिलेंगे जिंदगी में मौका इंशाअल्लाह। चले जी नाजरीन अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लेटा चेक कर लो खाली, ये हर शामों की अन्नी पाल दी है, अन्नी पाल दी है। मेरे वाले दुआ करते मैंने रोटी खाने तो बाद जैमे दस सानू दे सारे नु इधर ना बेहतर दे सारे सारे कहो आमीन आमीन आमीन। ओके जी आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।
हाँ जी पक्की गल है वैसे आपस की बात है जो आज हमारी जो सलाह थी ना वो कीमा बनाने की जो ये जो दिल हमने खाने दे के कलेजी फिफड़े के थे ना हमारी सलाह ये थी कि हमने वो जो तवे वाले होते ना टकाटक जो लाहौर में एक जगह है वहाँ का मशहूर है टकाटक बनाते हैं हमारी सलाह हो गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है उससे बेहतर बन गया काफ़ी ज़्यादा जैसा भी बन गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र इंसाना इंजॉय कराना करना से कराना टेंशन फ्री रहना से रखना ठीक है ना टेंशन देने का नहीं लेने का नहीं लेने का नहीं ब्रावो हाँ जी मोक गया फिर सोच लो नहीं यार बस चलो नाज़रीन तुसी एंड करो नेक्स्ट नाज़रीन नेक्स्ट व्लॉग भी साथ आपके इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा यार घंटा हो गई अच्छा नाज़रीन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय चाओ रोटी खोल के नहीं पाओ